छत्तीसगढ़ में हूँ आपके साथ सोनाली। तो हम रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भाजपा नेताओं ने शेयर की मुख्यमंत्री बघेल की तस्वीर, जिसमें निजल का कवर खुला नहीं था। पूर्व विधायक ने सीएम को लिखा पत्र, जशपुर के जिला अस्पताल में 1 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप, पर सिविल सर्जन पर तुरंत कार्यवाही नहीं हुई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर वार करा, कहा छत्तीसगढ़ को अलग देश मानती है कांग्रेस सरकार। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धीमी, 4000 लोग ठीक हुए, 28 तो नए मरीज हुए शामिल। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी आ रही है। वहीं दुर्ग में सबसे ज्यादा मरीज, 3 लोगों की हुई मौत। राज्य में करोड़ों की लागत से बना पुल, उद्घाटन से पहले गिरा, भाजपा कांग्रेस ने की जांच की मांग। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर सुकमा से है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी आज कोंटा का एक दिव्य दौरे पर कोंटा पहुंचे, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी वार्ड क्रमक 13 में राशन वितरण किया, वहीं मास्क सैनिटाइजर वितरण किया गया। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष हरीशेंद ने वार्ड वायसा में मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। साथ ही साथ कोरोना कमेटी के जिला महामंत्री जाकिर हुसैन, नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू, वहीं कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बस्तर में अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित नक्सली कमांडर की मौत की पुष्टि हुई है। नक्सलियों में कोरोना संक्रमण फैलने की भी पुष्टि हुई है। मृत नक्सली कमांडर को अस्पताल में भर्ती करा लौट रहे 3 अन्य नक्सली भी गिरफ्तार किए गए हैं। कोरोना से मृत नक्सली को अस्पताल छोड़ लौट रहा एक और नक्सली कोरोना संक्रमित पाया गया है। जानकारी के मुताबिक सीमावर्ती प्रदेश तेलंगाना में नक्सली कमांडर कोरसागवा गंगा उर्फ आयुध की संक्रमण से गुरुवार को मौत हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराकर लौट रहे 3 अन्य नक्सलियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, इनमें से भी 1 पॉजिटिव मिला। पकड़े गए नक्सलियों के पास से विस्फोट सामग्री भी बरामद हुई है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लूटपाट, हत्या और पुलिस पर हमला करने सहित कई मामलों में शामिल वारंटी खूंखार नक्सली को जवानों ने गिरफ्तार कर लिया है। हेवावी जिला से पुलिस महानिरीक्षक, वहीं बस्तर रेंज बगदलपुर के मार्गदर्शन और KL ध्रुव पुलिस अधीक्षक सुकमा के निर्देश में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरिया में कोरोना संक्रमण के चलते जिले के लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसे 26 से हटा दिया गया है। कोरोना महामारी से बचने लोग घर से आवश्यक कम से ही निकले, जिससे सड़कों पर कम नहीं दिख रहे। पेट्रोल पंप और बैंकों में सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिली। वहीं लॉकडाउन से में यदि यही ज़्यादा मार किसी ने झेली तो वे किसान की खेती के आते ही ये पैसे निकलवाने गए, जिसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। बाकी है मेरा पिछले साल का भी पैसा लेने आया है। हम यहाँ करीब 9:15 बजे पहुंचा हूँ, पता चला कि 2 बजे के बाद पैसा नहीं मिलता है, इसलिए जल्दी आए। यहाँ आए तो लाइन लगे लगे परेशान हो गए हम लोग। फिर ये पहुँचे हैं टीम, तो कोरोना चेक कर रहे हैं, बोले कि कोरोना चेक होने के बाद पैसा मिलेगा। हम किसानों को न सही टाइम पर पैसा मिलता है, न सही पैसा मिलता है। दूर दराज से आते हैं, ये भारी दिक्कत है। न इस समय न कोई टैक्सी चल रहा है, न कोई गाड़ी चल रहा है। अपने अपने साधन में आते हैं, किसी किसी करके दूसरे का साधन भी लेके आते हैं, तो 2 आदमी का नुकसान होता है। हम लोगों को परेशानी तो है, पैसा सही सलामत नहीं मिल रहा है। कोंडागांव जिला मुख्यालय के सरकारी ग्रामीण बैंक में ग्रामीण किसानों ने बैंक का घेराव कर दिया। बता दें कि ग्रामीणों को 5 से 6 महीने धान बेचने के लिए
अब तक किसानों को उनका पैसा नहीं मिल सका है, जिसके बाद सरकारी ग्रामीणों में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। लेम्स को दिए हैं, लेम्स के बालिंगा मुनगा पदर उनको पैसा दे रहे हैं, आए होंगे 50-60 लोग। कल छुट्टी था, पिछले उसमें भी दो लेम्स का था, उन लोग भी आ गए हैं। कुल मिला के बहुत भीड़ है, 200-250 है, तो हमको तो देना ही पड़ेगा ना पैसा। नहीं मानते हैं ना, सब एक ही दिन आ गए हैं, नहीं मान रहे और चिल्ला रहे हैं, हमको पैसा चाहिए। प्रशासन की घोर लापरवाही दिख रही है। किसान अभी नया फसल लगाने का समय आ जाएगा, उसको बीज खरीदना है, धान खरीदना है, लेबर को पेमेंट देना, किसान अपने ही पैसे के लिए दर दर भटक रहा है, 40-50 किलोमीटर दूर से रोज आ रहा है। प्रशासन ने एक व्यवस्था भी बनाई है कि हम एक दिन एक लेंस को भुगतान करें। गुरुवार के दिन आज दो लेंस का बारी था, लेकिन 30-30 लोगों का गाँव में, एक गाँव में 100-150 किसान है। अगर आज आप 30 लोग को ही दोगे तो उसका नंबर अगले हफ्ते आएगा। हमारे हम आकलन करें तो हम जिला के बॉर्डर के आए हैं, बस्तर जिला और कोंडागांव जिला के बॉर्डर से हैं, यहाँ से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर है। और अभी इनका कहना है कि 30 लोगों को ही विड्रा ले पैसा दिया जाएगा, बाकी लोग वापस चले जाओ। तो इस स्थिति में हम किस तरीके से हम खाद बीज की व्यवस्था करें, हमको खेत में भी काम करना होता है, यहाँ मतलब पैसा नहीं मिलने से हमको बैरंग लौटना पड़ रहा है। तो हम घर में काम करते, खेती बाड़ी का काम करते रहते, तो हमको एक निश्चित दिन या निश्चित समय हमारे लिए निर्धारित किया जाता। जैसे हम जहाँ पे हम धान बेचते हैं वहीं पे हमारी पैसा का लेन देन होता तो बेहतर रहता। हमारे विवादों में रहने वाले जनपद पंचायत नवागढ़ एक बार फिर विवादों में है, जहां इस बार जनपद सदस्य और अध्यक्ष द्वारा किए गए महिला अध्यक्ष के पति को प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए एक प्रस्ताव ने पंचायती राज व्यवस्था की बखिया अधेड़ कर रख दी है। वहीं मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्र के पूर्व विधायक दयाल दास बघेल ने कलेक्टर से शिकायत कर जनपद अध्यक्ष को पदमुक्त करने और संबंधित CEO पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं मामले को लेकर बेमेतरा के कलेक्टर शिव अनंत कायल इस तरह का प्रस्ताव लाना स्वर्थला अनुचित है, यदि ऐसा प्रस्ताव किया गया है तो यह अवैध है। मामला ये है कि जनपद पंचायत नवागढ़ में जनपद के अध्यक्षा जो है वो आवेदन दिया है CEO जनपद पंचायत नवागढ़ को कि मेरे अनुपस्थिति में मेरा पति जो है पूरा संचालन करेगा। ये आवेदन लगाया CEO पास और CEO उस प्रस्ताव को पारित भी कर दिया। कानून प्रक्रिया से हट करके प्रस्ताव पारित हुआ है तो हम मांग किए हैं कलेक्टर साहब से, ये घोर अन्याय है, ऐसा कहीं नियम नहीं है। जो ये प्रस्ताव पारित हुआ है उसके विरुद्ध जनपद अध्यक्ष और CEO के ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए। प्रदेश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है, ऐसे में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से स्वास्थ्य विभाग की सुविधा पर भी काफी असर पड़ रहा है, जिसके बाद सभी समाज के लोग मदद के लिए सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में महासमुंद जिले के पिथौरे में भी अखिल भारतीय अग्रिया समाज ने कोरोना काल में मरीजों के मदद के लिए सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस की संचालन कर रहे हैं। अग्रिया समाज ने बढ़ते संक्रमण के बीच एम्बुलेंस की कमी को पूरा कर मिसाल पेश की है। कोविड की परिस्थितियों में अभी लगातार जब पिथौरा में संक्रमण बढ़े थे काफ़ी ज़्यादा लगभग महीने डेढ़ महीने पहले, तो एक चीज़ जो महसूस की गई थी वो ये थी कि पीड़ित जनों को कई जन को रिफ़र करना पड़ता था, तो कई लोग मृत्यु के शिकार होते थे, कई लोग को अर्जेंट नीड की आवश्यकता होती थी। हमारे पास जो संसाधन थे एम्बुलेंस वगैरह वो उन लोगों को मदद तो कर रहे थे, लेकिन वो संख्या उतनी काफ़ी नहीं थी जितनी बड़ी संख्या में संक्रमण देखने को मिला। ऐसे में पिथौरा शहर से मतलब सभी समाज के लोग लगातार हर किसी न किसी समस्या को हल करने आते रहे। खबर कांकेर से है, जहां तेंदुपत्ता में अज्ञात लोगों ने आगजनी की। मामला दुधावा क्षेत्र के घोटिया वाही केंद्र है, जहां 107 बैग तेंदुआ पत्ता में लगाई आग
लगी, वहीं मौके से संदिग्ध पर्चा बरामद हुआ है, जिस पर्चे में माओवादियों के नाम पर अवैध वसूली का जिक्र हुआ है। इलाके में नक्सल हलचल की आशंका से दहशत का माहौल बना हुआ है, जबकि क्षेत्र में लंबे समय से नक्सलियों की मौजूदगी नहीं है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बलोद जिला में इस बार हाथियों के दल ने पहुंचते ही उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। हाथियों की मौजूदगी में डोंढी ब्लॉक के वनांचल स्थित गांवों में ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल बन गया है। हाथियों के दल ने डोंढी ब्लॉक के ग्राम अरंजगुंडा में एक ग्रामीण को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं अब गोंडी रेंज के ग्राम उर्जे लैनकसा भिलपारा समेत कई क्षेत्र में पुलिस कार्यवाही कर रही है। कांकेर जिला मुख्यालय स्थित भाजपा कार्यालय कमल सदन में जिला अध्यक्ष सतीश लाटिया ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अपने प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष ने 7 साल के मोदी सरकार की उपलब्धि को बताते हुए कहा कि हमारी सरकार ने अपनी योजनाओं में खासकर देश के गरीब तबके के लोगों को ध्यान में रखकर योजनाओं को अमल किया है, जिसके साथ ही केंद्र सरकार की उज्ज्वल गैस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, रोजगार गारंटी योजना जैसी कई योजनाओं को लागू कर गरीब परिवार के लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया गया है। बाह्य सुरक्षा मजबूत हुई है, यहाँ के किसान और गरीब मजबूत हुए हैं। ऐसा ही जी को 7 साल हो रहा है, और उस 7 साल में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार ने क्या उपलब्धि काम किया है, तो ऐसा ही अभी एक सेवा ही संगठन का काम है। सेवा ही संगठन का काम बोले तो मोदी जी ने जिन्होंने काम किया है उस विषय को लेकर के, और दूसरा इस कोरोना के वैश्विक महामारी के समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना से पीड़ित लोगों के पास माने सूखा राशन पहुंचाने का काम, सैनिटाइजर बांटने का काम, ऐसे विषय को लोगों को बीच में बैठ के बातचीत करना, सार्वजनिक स्थान पे उस गांव में साफ सफाई अभियान, और कहीं तालाब है, कहीं अगर मंदिर है वहां के, अगर शीतला है देवगुड़ी, तो ऐसे जगह पे साफ सफाई करने का अभियान। राजनांदगांव के खैरागढ़ में शासकीय शराब दुकान की राशि 32 लाख रुपए के गबन में के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मुख्य आरोपी अखिलेश चोरी जेल में है। इस मामले में संदेही रहे SBI ATM के केयर टेकर करण वाल्मीकि ने 17 मई को फांसी लगा ली। पत्नी का आरोप है कि पूछताछ के दौरान खैरागढ़ थाने में उसके पति के साथ खूब मारपीट की गई, उसे प्रताड़ित किया गया, जिससे तंग आकर आत्महत्या कर ली। बुधवार को महिला ने कलेक्टर और SP के नाम ज्ञापन सौंप कर SI, एक ASI और एक महिला आरक्षक के खिलाफ नामजद शिकायत की। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की मांग की है। मैं यहाँ पर थाना खैरागढ़ के पुलिस वालों के खिलाफ शिकायत करने के लिए आई हूँ SP सर के यहाँ, क्योंकि थाना खैरागढ़ में पुलिस वालों की वजह से ही मेरे पति ने आत्महत्या की है, और आज वो हमारे बीच में नहीं है, इसी की शिकायत करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। पुलिस वालों के टॉर्चर की वजह से ही उन्होंने आत्महत्या की है सर। क्या मामला था जो उनको आत्महत्या करने की? कुछ पैसों के मामले में हमको बुलाया गया था थाना खैरागढ़ थाना बुलाया गया था हमको। उसके बाद जहाँ हमको बुलाया गया उसके बाद ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं गया। मेरे पति को मेरे से मारपीट करना शुरू कर दिया सर उन लोगों ने, इतनी बुरी तरीके से जानवरों की तरह मारा उन्होंने, यहाँ तक कि मेरे पति को और मुझे दोनों जन को मारा। प्रारंभिक रूप से खैरागढ़ थाने में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आबकारी विभाग की जो प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा जो है 32 लाख रुपये के गबन के मामले में शिकायत की जाँच की जा रही थी। इस दौरान ये खुलासा हुआ था कि जो अखिलेश जो है उसके द्वारा जो शासकीय जो पैसा है 32 लाख उसको जो है करण जो वाल्मीकि हैं उनको दिया गया था, और करण वाल्मीकि के द्वारा उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं बताया जा रहा था, जिसकी जांच की जा रही है और उनसे पूछताछ की जा रही थी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। खबरों का सार। खबर सूरजपुर से है, जहां झारखंड में 8 महीने पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता और उसकी पत्नी के हत्या के मामले में फरार दो आरोपियों को झारखंड और विश्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दोनों आरोपियों को झारखंड पुलिस लेकर रवाना हो गई। दरअसल 10 अक्टूबर 2020 को झारखंड में धनबाद जिले के गोरखाटा गांव में झामुनी नेता शंकर रवारी और उसकी पत्नी की धारदार हथियार से गला रेत कर गोली और गोली मारकर भी हत्या कर दी। जिस मामले के दो आरोपी फरार चल रहे थे, उसी के कड़ी में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई है, कल एक क्या मामला? ये थाना सुदामडी जिला धनबाद झारखंड में 302 आईपीसी 34 और 27 आम सेक्टर अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें वहाँ पे शंकर रवानी और उसकी पत्नी की हत्या हुई थी, जिसमें झारखंड की पुलिस फरार आरोपियों की पता तलाश में यहाँ विश्रामपुर आई थी और विश्रामपुर पुलिस की मदद से रेलवे स्टेशन के पास से अभिजीत रवानी और अमर रवानी इन दोनों आरोपियों को पकड़ा गया। बहरमपुर के रामानुजनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक लड़की ने आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना माता पिता ने पुलिस को दिया और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस इस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सूरजपुर में लॉकडाउन की वजह से अब संक्रमित मरीजों में कमी आ रही है। वहीं कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने भी जिले में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए अधिकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर ग्राम पंचायत तक संपर्क कर भरसक प्रयास कर रहे हैं, जहां जिले के कोविड सेंटरों में मरीजों के इलाज के लिए भी सुचारू व्यवस्था का जायजा लेकर चिकित्सकों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो वहीं कोरोना संक्रमण से जिले को मुक्त करने के लिए सभी नागरिकों के साथ जनप्रतिनिधियों को भी अहम भूमिका निभाने के लिए अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, अन्य सभी विभाग मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन कैसे उपलब्ध करा सकें। इसको लेकर लगातार हम लोग लगे हुए हैं, जन सहयोग के माध्यम से, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से, हमारा जो सरकारी संसाधन है उनका बेहतरीन उपयोग कैसे कर सकें, इसलिए हम लगातार ज़िले में ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। खबर बलरामपुर से है, जहां रामानुगंज जिले के श्रीरामपीठ इलाके में नक्सली वारदातों में शामिल झारखंड के फरार नक्सली को बरिया चौकी पुलिस ने ढाबे से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ढाबा संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं हथियार जब्त, शराब जब्त किए गए हैं। साथ ही साथ संभावना जताई जा रही है कि दोनों से पूछताछ के आधार पर नक्सलियों के शहरी नेटवर्क सहित कुछ अहम खुलासे होंगे, लेकिन पुलिस ने गुरुवार को ज्ञापित जारी कर बताया कि दोनों को 31 मई तक की रिमांड पर लिया गया है, इसके बाद मामले का खुलासा हो पाएगा। गौरतलब है कि बलरामपुर रामानुजगंज जिले की बरिया चौकी पुलिस ने मुखबिर से सूचना मिली थी, उसी के आधार पर यह कार्यवाही की है।
थाना सामरीपाट के स्थायी वारंटी अनिल यादव, जो जनवरी 2019 में एक आगजनी की घटना में इसका नाम शामिल था, जो हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि यह बरियो क्षेत्र के बगीमा में एक ढाबा में आया हुआ है। मुखबिर से सूचना प्राप्ति पर चौकी प्रभारी रजनीश सिंह ने अपने स्टाफ के साथ जाकर के घेराबंदी कर उसे पकड़ा। उसके पश्चात चूँकि यह नक्सल प्रकरण था, वहाँ पास ढाबे की तलाशी ली गई जिसपे शराब और हथियार प्राप्त हुआ है। जगदलपुर में बसरी बैंक वेंचर्स द्वारा लगातार जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में बसरी बैंक वेंचर्स के निशुल्क भोजन वितरण समापन समारोह के समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बस्तर सांसद दीपक बैद समेत कई अधिकारी इस में मौजूद रहे। सूरजपुर जिले में लॉकडाउन के कारण संक्रमित मरीजों की रफ्तार भी धीमी पड़ी है, तो दूसरी ओर लोग भी अब कोरोना से बचने के लिए एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं। जहां एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां ग्राम पंचायत की, जहां कुछ युवा पूरे गांव में होम आइसोलेट वाले मरीजों के घरों को घूम घूम कर सैनिटाइज करते नजर आ रहे हैं। पूरे गाँव के लोगों को कोविड नियमों के दौरान पालन करवाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए भी अपील की जा रही है। बलौद के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष देवलाल ठाकुर ने जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर महिला और बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया को आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने जिले के लगभग 65 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ प्रमाणित आरोप हैं, इसके अलावा कई सारे भ्रष्टाचार जिले में देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए कन्या योजना की शुरुआत की थी, परंतु यहां पर बालोद जिले में एक भ्रष्टाचार का साधन बन गया है। उन्होंने कहा कि जिले में आदिवासियों को आशोषण कांग्रेस सरकार के आदिवासी मंत्री ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां पर बालोद जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत और महिला और बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया भी आपको सीधे ले चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे।